आज शहजाद भाई फुल टाइम गुस्से में है, पता नहीं क्यों इतने हाइपर है इनका, ये गुस्सा ठंडा करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। जगह थोड़ी है, असल च लोग गड्डियां ला रहे ने बेतुकियां, फिर रस्ता ब्लॉक हो जाता, रोड ब्लॉक हो जाता, लोग भी दिल्ली हो गए, तक कॉल होती ने, पुलिस आती 38 बंद साढ़े तो परचा हो गया इस वजह को। अच्छा, लोगों की वजह तो ये जगह पीछे खाली पई होती है, ननकाने नी जाना, मैं सियालकोट नी गया, भरा दी खिदमत च आ गए और हुण इंशाल्लाह मैं ननकाने जाना भी नहीं करना, क्योंकि मैं हूं इतने रहना करना, क्योंकि मेरा पिछू अर्ज बड़ा होता है। हाँ, अगर ननकाने जाना सा जुमा बाजार इतों खत्म होता जाता है, हूँ इंशाला अभी हर जुमे नूं इत्थे पूरे भारत नाल जिवें इतवार बाजार लाइदा इंजी अल्लाह दे हुक्म नाल जुमा बाजार उधर नूं वध लग्गिया। शहजाद भाई यहाँ पे रौनक ही आपकी वजह से है, आप होते हैं तो रौनक डबल हो जाती है। सारे भरा आने दूरों दूरों आते सारे शोरूम है, ये थोड़ी वजह तो रौनक है, जे तुसी नहीं आओगे तो उजड़ जाएगी हर शहर। गल करन दा मतलब है कि हां जी बुद्ध बाजार, बुद्ध भी इत्थे लगेगा, जुमा भी इत्थे लगेगा, इतवार भी इत्थे लगेगा। अगे जुमे वाले तो मैं ननकाने चला जाना सा, हूं राती वीडियो लाई सी कि मैं हूं ननकाने नहीं जाना करना, क्योंकि ननकाने जाने नाल मेरे पिछू कम धारज होंदा है, वो मेरे छोटे भाई ने उन्हां दा उत्थे वो उत्थे वो करदे ने, वो अपना उन्होंने लादा सिस्टम है सारा ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁਣ ਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਵਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੁੰਗ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰਾ ਮਸ਼ਰਾ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋ ਲੈ ਲਈ अपने शोरूम सारे अपने शोरूम सात लाख रुपया किराया देना है, बच्चा लिए कमाओ फिर अपने लिए कमाओ, फिर दो नंबरिया कर सारी गल लाख रुपया इतने किराया आम चलता पे बिलकुल लाख रुपया बड़ा रेंट है, 5 लाख रुपया पहले उन्होंने पूरा करो हाँ। बच्चे का कमाओ, क्यों फिर सारी गल जो वो फिर कमाना कि कमाना है मारे बंदे का ना खराब हो जाता exactly. है मकसद आ शोरूम इन्हना सारे का ही अपना, मेरे को इस टाइम कोई तकरीबन 34 से 35 डीलर ने अपने शोरूम वाले ने जिन्होंने अपने शोरूम सन मैं मेरा शोरूम नहीं सी हैगा। अच्छा। मैं इहदे को गड्डियां खड़ियां करना सी, 5-6 गड्डियां 7 गड्डियां मेरी होंदियां सन, सही को मैं खड़ियां करदा। अज अल्लाह दा शुक्र है अज अहमद मिर्जा का शोरूम वे लो भी मेरे नाल काम कर रहा हो गया सर, माशाल्लाह वो मेरे थले काम करता गल कहता ये अल्लाह तआला दा नाम है। हां जी हां जी, और बड़ा सोहना रिज़क कमा रहे हैं, उन्हें उन्हें अपना शोरूम नहीं समझ आया, उन्हें कहा यार मैं तुहाडे को काम करना चाहता, मैं करो और सोहना रिज़क कमा रहे हैं। मेरे को जिहड़े मुंडे ने एक एक मुंडा 8-8 डीलां 9-9 डीलां करके जाता है, माशाल्लाह एक एक मुंडा 19-19 डीलां भी करदा है, माशाल्लाह 19 डीलां बड़ियां डीलां दी, बहुत डील बहुत डील, और आम एक दो डीलां दे किते गईयां नहीं। हुण मेरा गार्ड है ना, हां जी हुण सब तो पहली गार्ड मेरे जो बाबा जिहड़ा नवीन खोता बाहर गड्डियां लवा रहा है, सब तो पहली डील आई थी ओदी है, माशाल्लाह। अपने जिहड़ा मेरे जिहड़े गार्ड ने ना वो भी डीलां करो, पिछली भी डील होंदी सी पहले, हां जी पिछली भी, और मेरे जिहड़े गड्डियां धोण वाले ने ना मुंडे बड़ी गल सारे लैके चलते हो, मैं पता होना चाहिए डाकूमेंट्स हर चीज जी गड्डी महंगी नहीं बेचनी और मेनू विखा के बेचनी है, और
बाकी गलत बयानी भी थोड़ी बहुत लोग करते हैं। एक अद्धा पीस टोटल जानवर करके भी बेचिए ना, एक अद्धा पीस जेड़ा ना वो निकल ही होता है। काबले बर्दाश्त इन्ना बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है, जेड़ी दो नंबर गड्डी है ना वो कोई नहीं बर्दाश्त करता। ऐसे बंदे नु टैग भी हो जाते हैं और जोकर साथ भी हौसला है ना, पेमडा भी वापस किया कोनो पैसे भरे ने। आज कल दो नंबरी बहुत ज्यादा है, इन्नी क दो नंबरी है, टेंपर कट एंड वेल्ड, उस तो बाद जनाब दो नंबर कागज वाली लोग फेक कागज बना बना गड्डिया बेची जा रहे हैं। लेकिन हुण डर आउंदा, खौफ आउंदा के ओह इंज चौड़े होके बैठे होंदे ने ना जिन्हां दे कोल गड्डी लैण जाईदा है ओएलएक्स पार्क दे ऐड लग, उहनां नूं हुंदा वी पता नहीं दुनिया दे उत्ते गड्डी ही साडी उतरी होर गड्डी ही कोई, ऐसे तरह ही उत्तों उहनां नूं इह नहीं पता ना हमेशा कंडीशन दा नहीं पता हुंदा, ना उहनां नूं कंडीशन दा पता, ना उहनां नूं पेपरां दा पता, डीलर नूं पेपरां दा भी पता हुंदा। हां जी डीलर कोलों गड्डी लैण दे बड़े फायदे ने, ऐ तुहाडे कोल आ गया कमले ने और बेवकूफ ने जिहड़े डीलरां तों बचदे ने। मैं ना डीलर तों गड्डी लई होई, इक ते सस्ती हुंदी है महंगी नहीं होंगी, क्योंकि डीलर ने होंगे भी अगर भी होर भी गड्डिया लभ रही होंगे ने, वह कहना यार तू वादा घाटा करके दौ दूसरी लभदी भी ले ली है, वो ऑप्शन बड़ी होंदिया ने, कस्टमर को ऑप्शन की कोई होंगी, वह मेरी है ही सारा कुछ है गलत करते हैं ना गड्डिया दो नंबर लैके पाई जाते हैं। सब तो बड़ी गल असीं डील कराई गड्डी दो नंबर निकल के कमीशन वापस दे देंगे, असीं दो नंबर दे जिम्मेदार नहीं, ए दारा जिम्मेदार असीं अल्लाह दे हुक्म नाल मेरी गड्डी दो नंबर कमीशन नाल ही करेंगे, तुहाडी पेमेंट लो मेरी गड्डी दो नंबर निकल दो नंबर गड्डी, मैं ये नहीं कहांगा तुहानू कि हुण पिछलियां नूं करांगे सद्दांगे वेखांगे करांगे, मैं ना लियाओ अपने पैसे लो मैं इत्थे 10,000 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਈ ਹਾਂ ਡੀਲਰ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ, ਹਾਂ ਸੀਆਈਏ ਵੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਲਕਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾਕ ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਆਈਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਇੱਕ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਡ ਛਾੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਛਾੜ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹਦਾ 1,00,000 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਲਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਉਠਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਂਪਰ ਕੱਟ ਐਂਡ ਵੈਲਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਾਡੋ ਦੀ ਚੇਸੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17 ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਡੋ ਹੈ ਨਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵੀ ਚੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਚੇਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੇਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
एक दिन डाला एक लै गया बंदा मैनू आंदा जी मैं उन्होंने चेक करवानी है वो डाला लै गया उन्होंने बेचारे इन्हें पता लगे अठ मॉडल पिछे आ जाती शील्ड और चेसी वाली जगह के उत्ते ना शील्ड लगी होती प्लास्टिक की रखे चेक करा बिस्मिल्ला आ जाओ सगो चंगा हां उन्होंने बेचारे पता ही गड्डिया बस कमले बंदे शहजाद भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर आप लोग अमल करेंगे इन बातों पे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका लाख रुपया बच सकता है अगर इस इन बातों पे अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। कितने बंदे देख रहे हैं ये लाइव नहीं है, ये व्लॉग शूट हो रहा है। अच्छा व्लॉग शूट हो रहा है, आज का व्लॉग बना रहे हो, बड़ी गल है।